हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव पहले से स्टडी कर चुके हैं। और आजकल हम स्टडी कर रहे हैं प्रेपोजिशंस, जिनमें हम कुछ प्रेपोजिशंस पहले ही स्टडी कर चुके हैं, आप जाकर पीछे वीडियोज़ में देख सकते हैं। आज जिन दो प्रेपोजिशंस की हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि फ्रॉम और अबाउट। फ्रॉम और अबाउट की हम आज बात करेंगे, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम का अर्थ होता है हिंदी में से, और अबाउट का अर्थ होता है के विषय में या फिर के बारे में। लेकिन आपको पता ही है, पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम के बारे में आपको पता ही है कि फ्रॉम का अर्थ से होता है, लेकिन से के लिए हम कहाँ कहाँ पर फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं वो हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि से के लिए हम टू का भी उपयोग करते हैं, ऑफ का भी उपयोग करते हैं, और भी कई प्रेपोजिशंस हैं जिनका उपयोग हम से के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि से के लिए आप फ्रॉम का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं, फ्रॉम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। नंबर वन रूल देखिए, फ्रॉम का यूज सामान्यतः से के अर्थ में, जैसा कि आप जानते हो से के अर्थ में सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने में होता है। सेपरेशन यानी कि बंटवारा। बंटवारे कहने का मतलब है कि जब दो चीजें अलग होती हो, चाहे तीन चीजें या चार चीजें, जहां पर अलग होती हो, डिवाइडेशन होती हो, पार्टीशन होता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेपरेशन, जब चीजें सेपरेट हो जाती हो। आप समझेंगे एग्जाम्पल से अच्छे। He has come from Indore, यानी कि वह इंदौर से आ चुका है या वह इंदौर से आया है। ठीक है, वह इंदौर से आया है। अब वो पहले कहाँ पे था? पहले वो इंदौर में था, लेकिन अब वो इंदौर से आ चुका है, यानी कि वहाँ से सेपरेट हो चुका है, वहाँ से अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने में होता है यूज फ्रॉम का, यूज से के लिए। अब हमने क्या किया कि इंदौर से, तो से के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवाएं दक्षिण से चली। पहले हवाएं कहां पर थी? दक्षिण में थी, साउथ में थी, तो वहां से चल करके आगे गई होंगी या पीछे गई होंगी, यानी वहां से सेपरेट हुई, तो सेपरेट हुई, इसीलिए हमने बोला फ्रॉम के, से के लिए हमने फ्रॉम। द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवाएं दक्षिण से चली, तो से के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। तो यहाँ पर भी एक सेपरेशन का भाव एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि पेड़ों से फल गिर चुके हैं। तो पहले तो पेड़ों के ऊपर थे, यानी ट्रीज के, पेड़ों के ऊपर थे फल, लेकिन अब गिर चुके हैं, यानी सेपरेट हो गए ना, ट्री से अलग हो गए, पेड़ से अलग हो गए, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि सेपरेशन के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं से के लिए। ठीक है, पेड़ों से फल गिर गए या पेड़ों से फल गिर चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम से के लिए फ्रॉम यूज करते हैं। और सेपरेशन अगर वहां पर शो हो रहा हो, तो एक तो हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। वेरिएशन देख लेते हैं थोड़ी सी और। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। अर्थ समझिए बिल्कुल आसान भाषा में, कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो समय यानी टाइम को एक्सप्रेस करते हो, टाइम को अभिव्यक्त करते हो, जिनसे हमें टाइम का या समय का पता चलता हो, ऐसे शब्दों से पहले हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिए कैसे, ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM, वह स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को 10 बजे से पढ़ाएगा, यानी 10 बजे से पढ़ाना शुरू करेगा, 10 बजे से पढ़ाएगा, सुबह के 10 बजे AM लिखा है ना, सो वह विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे से पढ़ाएगा। तो ये 10 AM है, ये क्या टाइम को व्यक्त नहीं कर रहा है ना, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इससे पहले हमने से के लिए क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से प्यार करता था, मैं उसे बचपन से प्यार करता था। आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन, ये भी तो एक समय ही है, टाइम एक्सप्रेसिंग स्टेट है, ये स्टेज है हमारी चाइल्डहुड, तो ये भी समय है। इससे पहले हमने क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया। मैं उसे अपने बचपन से प्यार करता था, माई चाइल्डहुड से पहले हमने फ्रॉम का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I attended the meeting from morning to evening. मैंने बैठक में सुबह से शाम तक शामिल रहा या शामिल हुआ। किसमें? बैठक में। बैठक बोलते हैं मीटिंग को, ठीक है, अटेंडेंट यानी शामिल रहा। ठीक है, तो कब से कब तक रहा? मॉर्निंग टू इवनिंग रहा, तो मॉर्निंग टू इवनिंग आप समझ ही सकते हो, ये भी समय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मॉर्निंग सुबह को एक्सप्रेस करता है और इवनिंग शाम को एक्सप्रेस करता है, तो मॉर्निंग टू इवनिंग, और से के लिए हमने यूज किया है फ्रॉम, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं समय के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले फ्रॉम का यूज। थर्ड देखिए, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने में होता है। जैसे यहाँ समय के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता था, ऐसे यहाँ पर अगर कोई कारण हो,
कोई रीजन हो, कोई कॉज हो, तो उस कॉज के भाव को, उसके कॉज के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, से के अर्थ के लिए। कैसे? हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि उसकी प्रेमिका या फिर उनकी प्रेमिका बुखार से पीड़ित रही, बुखार से पीड़ित रही, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित रही। तो किससे पीड़ित रही? बुखार से पीड़ित रही, फीवर से पीड़ित रही, यानी कि एक कॉज है, कारण है। किससे पीड़ित रही? पीड़ित रहने का कारण जो है वो बुखार है। तो बुखार यानी फीवर से पहले हमने क्या लिखा है? फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम किसके लिए लिखा है? से के लिए, क्योंकि बुखार से पीड़ित रही, तो से के लिए हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं जब कभी यहाँ पर कॉज यहाँ पर हमें दिखता हो, कारण दिखता हो, कारण को एक्सप्रेस करने वाला कोई शब्द दिखता हो। तो ये हमने तीन रूल तो ये जान लिए कि से के लिए हम एक तो कारण, एक समय और एक सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए होता है, उनसे पहले होता है। ठीक है, अब कुछ और रूल जान लेते हैं फ्रॉम के। फोर्थ जो यूज है फ्रॉम का वो देख लेते हैं। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में ओरिजिन यानी कि स्रोत, हिंदी में स्रोत बोलते हैं, स्रोत के भाव को व्यक्त करने में होता है। अब स्रोत से क्या मतलब है? स्रोत का मतलब होता है कि मान लो कोई चीज है, वो कहाँ से आई है, उसको कहाँ से लिया गया है, या उसका जो रिलेशन है उसका मूल क्या है। मूल का मतलब है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, जैसे कि कोई नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए किसी का संबंध है तो वो किससे है, उसका मूल कहाँ से है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से वो बिलोंग करता है। जैसे कोई पेड़ है कि उस पेड़ की स्पीशीज होती है तो वो किस स्पीशीज से जो है रिलेटेड है, उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ओरिजिन उसको बोलते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों का ओरिजिन होता है इंडिया, ठीक है, तो वो इंडियन कहलाते हैं क्योंकि उनका जो स्रोत है वो इंडिया है। ठीक है, इस तरीके से उसको हम स्रोत बोलते हैं। तो स्रोत के लिए हम कैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखो, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, यानी कि यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई उपन्यास हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई काव्य हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। इसमें इसलिए बोला गया कि यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, ली गई है। अब ये जो पंचतंत्र है ये उसका मूल है, इस स्टोरी का मूल है, ये स्टोरी जो है इसका ओरिजिन है पंचतंत्र, तो यहाँ से ली गई, इसलिए हमने इसके लिए से के लिए फ्रॉम का यूज़ किया। जैसे कि आप चैप्टर्स में पढ़ते होंगे, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंग्लिश में कोई चैप्टर है, लेसन है, वहाँ पर लिखा होता है ना, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन और मार्को पोलो, ऐसे किसी ना किसी चैप्टर से लिया गया होता है वो पैसेज। ठीक है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस दैट, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं से के लिए। ठीक है, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, इसका एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 5 यूज देखिए, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। अब इसका क्या अर्थ है, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के लिए? देखिए, सिंपल सा अर्थ है, सादा सा अर्थ है, क्या है कि कोई एक वस्तु हम बनाते हैं तो दूसरी वस्तु से बनाते हैं। अब जिस वस्तु से हम बना रहे हैं, वो जो दूसरी वस्तु हम बना रहे हैं उस वस्तु से, वो उससे भिन्न गुण वाली होती है। मान लीजिए ये एग्जांपल देखिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है वो दूध से बनती है। ठीक है, दूध से बनाई जाती है, या दूध से बनी, या दूध से बनाई जाती है। तो जो दही है इसका, ये बनती किससे है? मिल्क से बनती है। तो दूध जो है एक तरीके से इसका पहला पदार्थ हो गया, और ये दूसरा पदार्थ जो खाद्य पदार्थ हमारा बन रहा है कर्ड यानी कि दही, ये दूसरा हो गया। तो इसके गुण अलग हैं, इसके गुण अलग हैं। तो एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनती है, इस पदार्थ से ये पदार्थ बना। जैसे कि फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, यानी कि जो फर्नीचर है ये किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। ठीक है, तो वुड के अलग गुण होते हैं जबकि फर्नीचर के अलग। फर्नीचर को आप अलग तरह से यूज करते हो और वुड को अलग तरह से यूज करते हो, लेकिन बनती किससे है? वुड से ही तो बनती है फर्नीचर। तो क्या हुआ, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु, इससे हमने दूसरी वस्तु बनाई जो कि जिसके गुण जो थे इससे भिन्न थे, अलग थे, इन दोनों में गुणों में डिफरेंस था, क्वालिटी में डिफरेंस था। तो उसको बोलते हैं हम एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाना। ठीक है, तो ऐसे भाव को अगर कोई सेंटेंस व्यक्त करना है, करता है, तो आपको वहां पर यूज करना है फ्रॉम का से के लिए, ना कि टू का यूज करना है, ना ही किसी और अलग प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो ये तो थे फ्रॉम के यूज। अब जान लेते हैं अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अबाउट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, अबाउट का उपयोग करते हैं हम के बारे में, के विषय में, या के संबंध में। ये हिंदी शब्द आपको जहाँ पर भी दिखते हैं
आप अबाउट का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशंस जान लेते हैं कि अबाउट का उपयोग हम और कहाँ कहाँ पर करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला रूल तो आप समझ ही गए होंगे अबाउट का यूज़ के बारे में के अर्थ में होता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, यानी कि उसे अपनी ईमानदारी के बारे में शक है, उसे अपनी ईमानदारी के बारे में शक है। तो के बारे में या के संबंध में के लिए हमने यूज़ किया अबाउट, उसे अपनी ईमानदारी के संबंध में शक है, उसे अपनी ईमानदारी के विषय में शक है, तो एक ही बात है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो, तो के बारे में के लिए हमने यूज़ कर दिया अबाउट, तुम इस घटना के संबंध में क्या जानते हो, ठीक है। सेकेंड रूल देखिए, देखिए कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं अबाउट का। अबाउट का यूज लगभग, एक तो ये शब्द, प्राय एक ये शब्द, करीब करीब एक ये शब्द, अगर ये शब्द आपको कहीं दिखते हैं तो आप अबाउट का यूज कर सकते हैं। लगभग, प्राय, करीब करीब, तीनों का अर्थ एक ही होता है, लगभग के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, इट इज अबाउट 8 o'clock, यानी कि लगभग 8 बजे हैं, लगभग 8 बजे हैं, तो हमने लगभग के लिए क्या यूज किया, अबाउट यूज किया, लगभग 8 बजे हैं, ठीक है। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज है, लगभग 8 मील की दूरी पर कॉलेज है। कॉलेज कितनी मील की दूरी पर है, 6 मील की, लेकिन 6 मील की ही है, नहीं, लगभग 6 मील की है, इसलिए हमने अबाउट यूज किया है। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles, यानी करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर मेरे गांव से कॉलेज है। कॉलेज 6 मील की दूरी पर है, करीब करीब, ठीक है। तो करीब करीब या लगभग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं अबाउट का। अब थर्ड यूज देखिए कहाँ कर सकते हैं अबाउट का यूज, बाहर से चारों ओर, जिसको हम अराउंड भी बोलते हैं, तो आप अराउंड भी यूज कर सकते हैं और अबाउट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अर्थ में भी हम कर सकते हैं चारों, बाहर से चारों ओर। एग्जाम्पल देखिए, द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, दफ्तर के बाहर चारों ओर किताबें पड़ी, दफ्तर के बाहर चारों ओर किताबें पड़ी हैं, तो पड़ी हैं क्या क्या मतलब है, द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, तो अबाउट का मतलब है कि ऑफिस के बाहर चारों ओर, यानी अराउंड द ऑफिस। अब ये ऑफिस है, मान लीजिए ये ऑफिस है, ठीक है, इस ऑफिस के बाहर ऐसी किताबें पड़ी हुई हैं, तो चारों ओर से उसको जो है घेरा हुआ है, अराउंड किया हुआ है, तो अराउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं अबाउट का। अ सर्कल इज ड्रोन अबाउट ट्राइंगल, अ सर्कल इज ड्रोन अबाउट ट्राइंगल, त्रिभुज के चारों ओर, त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है, खींचा है, ड्रोन, ठीक है। अ सर्कल इज ड्रोन अबाउट ट्राइंगल, तो अबाउट का यूज हम कहाँ करते हैं, चारों ओर, यानी कि अराउंड, यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, अ सर्कल इज ड्रोन अराउंड ट्राइंगल, एक ही बात है, या तो आप अबाउट यूज कीजिए या फिर आप अराउंड यूज कीजिए, दोनों के दोनों ही सही हैं। तो ये अबाउट की वेरिएशन हुई। नंबर चार देखिए, अबाउट का यूज इमीडिएट एक्शंस को एक्सप्रेस करने में होता है। इमीडिएट एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं, इमीडिएट एक्शंस होते हैं जो होने वाले होते हैं तुरंत, यानी कुछ समय में हो जाएंगे, एकदम होने को ही हैं, जैसे कि एक सप्ताह में होने को हैं, या एक घंटे में होने को हैं, या एक महीने में होने को हैं, लेकिन जो लगभग लगभग पास है उनको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। जैसे ही इज अबाउट टू डाई, यानी कि वह मरने को है, या फिर वो मरने ही वाला है, वह मरने ही वाला है, यानी अभी कुछ देर में हो जाएगा, कुछ देर में या कुछ दिनों में, ठीक है। ही इज अबाउट टू डाई, तो इमेडिएट एक्शन उनको बोलते हैं जो होने वाले हैं या होने को ही हैं, यानी बहुत ही करीब हैं। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, इलेक्शन यानी कि चुनाव शुरू होने को है, प्रारंभ होने को है, या प्रारंभ होने ही वाले हैं, तो इसके लिए भी हम अबाउट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इमेडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं अबाउट का, लेकिन एक रूल इसमें है कि अबाउट के बाद हम टू का उपयोग करते हैं। देखिए, ही इज अबाउट टू डाई, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, तो हमेशा ऐसे इमेडिएट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम अबाउट के बाद टू का उपयोग करते हैं, अबाउट के बाद टू का उपयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो हम टू का उपयोग करेंगे अबाउट के बाद, अगर हम इमेडिएट एक्शन यानी जो एक्शंस होने को हैं, अभी कुछ देर में होने वाले हैं, उनको अगर हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये थे फ्रॉम और अबाउट प्रेपोजिशंस के रूल्स, कहाँ कहाँ पर हम फ्रॉम और कहाँ कहाँ पर हम अबाउट को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, कितनी जगहों पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अबाउट और फ्रॉम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रपोजिशन के साथ। थैंक यू।